सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूँ इस मंथ का लेटेस्ट APN सेटिंग, जो बेसिकली जियो सिम के ऊपर काम करने वाला है। तो गाइज, ए वाला APN सेट को सेट करके आपका फोन में बहुत अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं आप लोगों को ए वाला वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा कितना ज्यादा स्पीड इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होता है जो ऐसा ऐसा जगह पे रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क ठीक ठाक से नहीं मिल पाता है और इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता है, तो उन लोगों के लिए बेसिकली बहुत अच्छा काम करने वाला है APN सेटिंग। तो मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ मेरा फोन में कितना स्पीड दे रहा है, उसके बाद ए वाला APN को सेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितना स्पीड बढ़ गया है। तो मैं ओकला स्पीड टेस्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना स्पीड दे रहा है। APN सेटिंग को सेट करने के बाद दिखाऊंगा कितना स्पीड देता है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिना स्किप करते हुए एकदम एंड तक लास्ट तक देखना है। आप अगर कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपका इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो गाइस, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और आप अगर हमारा चैनल पे नया है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारा फैमिली में ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, APN सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका फोन का सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको जाना है। जाने के बाद आपको जियो सिम को चूज कर लेना है। करने के बाद नीचे देखो, आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें आप क्लिक करो, आपको APN पे लेके आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों, ऊपर देखो एक प्लस आइकन है, उसमें क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म दे देगा। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, मेरा वीडियो देख के मैं जो जो फॉर्म पे डालता हूँ सेम आपका फॉर्म में भी आपको डाल लेना है। उसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम वाला जो ऑप्शन है पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है नेक्सा 2.0। स्पीड का एस कैपिटल लेटर पे होना चाहिए और नेक्सा का एन कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। लिखने के बाद दोस्तों, उसका नीचे है APN, यहाँ पे आपको लिख लेना है SB23.5G, स्मॉल लेटर पे लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद उसके नीचे प्रॉक्सी ए नॉट सेट रहेगा, और उसका नीचे पोर्ट ए भी नॉट सेट रहेगा। उसका नीचे यूजर नेम, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर पे लिख लेना है HEXA5G.JIO, ठीक है। लिखने के बाद पासवर्ड है, पासवर्ड को नॉट सेट रहने दो। उसके नीचे है सर्वर, यहाँ पे आपको www.google.com लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे आपको MMSC वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको नॉट सेट रहने दो। MMS प्रॉक्सी देखने को मिलेगा, इसको भी नॉट सेट रहने दो। उसका नीचे MMS पोर्ट ए भी नॉट सेट रहेगा। और गाइस, नीचे जो MCC एंड MNC है, यह आपका एरिया कोड है, आपका एरिया का हिसाब से खुद से सेट हो जाता है, तो इसको छेड़छाड़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके नीचे लास्ट में देखो एक ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन टाइप, यहाँ पे आपको PAP और CHAP वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद उसके नीचे APN टाइप है, इसको नॉट सेट रहने दो। उसके नीचे है APN प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको IPv4 पब्लिक IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। और उसका ठीक नीचे है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी IPv4 पब्लिक IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग है DRR, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग है। तो यहाँ पे जो नॉट स्पेसिफाइड वाला पे टिक है, इसको अनटिक करके LTE को टिक कर लेना है। UMTS, EH, RPD, EVDOA और नीचे आपको 1XRTT एंड IS95B ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद आपको APN को सेव करना होगा। सुनो फ्रेंड्स, मान लो ये इतना सारा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका APN सेव नहीं हो रहा, तो सिर्फ यहाँ पे आपको LTE को सिलेक्ट करके आपको APN को सेव कर देना है। तो ये यहाँ से मैं एक बार बैक आ जाता हूँ, ऊपर देखो एक राइट बटन है, उसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वाला APN जो है मेरा फोन में सेव हो गया। तो
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी जो न्यू VPN आप क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करके आपको फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लो और उसके बाद आप इंटरनेट चलाओ। देखो पहले से बहुत ज्यादा आपका इंटरनेट स्पीड भर गया और आपका फोन में कितना स्पीड दे रहा है आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो लेके। जय हिंद।